अस्सलामुअलैकुम मेरे कारोबारी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। आज हम टोबा टैक्सिंग आए हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अल हसन आटा चक्की पे। अस्सलामुअलैकुम भाई। मोहतरम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम, सबसे पहले आपके पास मशीन एलिवेटर लगी है मदीना वालों का जी। इसकी घंटे की प्रोडक्शन क्या है? ये एलिवेटर 50 देता है और ये 50 मान उठा के छाने को देता है। छाने में अगर 3 जालियाँ हो तो ये 25 की घंटे इसमें देता है प्रोडक्शन। अगर इसमें 2 जालियाँ हो तो जी ये 50 की देता है। इस टाइम इसके अंदर 2 जालियाँ मौजूद हैं जी। इस टाइम इसके अंदर 2 जालियाँ मौजूद हैं। ऊपर वाली जाली निकाली हुई है जी। ऊपर वाली निकाली हुई है, एक नीचे वाली है और एक ये ब्लोअर है। ये ब्लोअर है, इधर से मट्टी उठाता है, इधर से उठाता है, सारी पीछे ले जाता है, इसलिए कि इधर मुश्किल ना हो हमने पीछे इसका सिस्टम कर दिया हुआ है। ये एलिवेटर है, ये उठा के 50, ये इसकी भी प्रोडक्शन 50 की है, ये उसके अंदर लेके जाता है। छाने के अंदर चांबा पेट नीचे वाली साइड पे चांबा लगा है जी जी। डिस्कटर लगा हुआ है जी। इसकी मोटर कहाँ पे लगी हुई है? इसकी मोटर बहुत लगी हुई है। कितने हॉर्स पावर की मोटर इसे रन करती है? 50 5 HP की मोटर इसे रन करती है। यानी कि 50 मान की इसकी घंटे की प्रोडक्शन है और 5 HP की जो मोटर है वो इसके ऊपर चल रही है। ठीक हो गया। ब्लोअर इस साइड पे भी काम कर रहा है जी? इस साइड पे भी कर रहा है, उस साइड पे भी कर रहा है। ब्लोअर की जो हवा निकालने के लिए है वो साइक्लोन लगाई है जी या आम एयर सिस्टम लगाया हुआ है? साइक्लोन लगाई। बैक साइड पर वो साइक्लोन भी एक दफ़ा दिखा दीजिएगा। ये डस्ट निकालती है, यानी कि इधर कमरे में डस्ट उड़ती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो हमने पीछे किया हुआ है, सिस्टम इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये है कि कपड़ा लगा हुआ है, हल्की फुल्की तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी। चले ठीक हो गया, आगे आ जाएं अगली मशीन की तरफ। नेक्स्टली सेकेंड एलिवेटर है। ये एलिवेटर भी 50 की प्रोडक्शन देता है, उस ड्रम में जाता है, उसमें 30 मन स्टॉक हो जाता है। यानी कि 30 मन गंदम जो है वो ऊपर वाले ड्रम के अंदर स्टॉक हो जाती है। और इसके बाद इसमें आता है मशीन में, ये जो मशीन का टॉप है ये 60 किलो के अंदर आ जाती है। मशीन का जो बीन है उसके अंदर तकरीबन 60 जी 60 आ जाती है, 60 kg जी। नेक्स्टली मशीन के अंदर कटर लगे हैं या गुच्छा? कटर लगे हुए हैं जी। ये इसके घंटे की 12 मन प्रोडक्शन है। घंटे की 12 मन प्रोडक्शन है। बेल्ट वाली है कि बेल्ट के बगैर? बेल्ट के बगैर। बेल्ट के बगैर है। कितने HP मोटर इसे लगी हुई है? 25 HP कपल मोटर लगी हुई है 2800 RPM वाली जी। ठीक हो गया। नेक्स्टली नीचे से साइक्लोन स्टार्ट हो जाता है जी। ये साइक्लोन है इधर जी, साइक्लोन उधर से जाता है उस तरफ जी। ये साइक्लोन की टर्निंग है। ठीक हो गया। इसमें 2.5 मन आटा जाता है तकरीबन, 2.5 से 3 मन जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि हमें थैलियाँ बनने में आसानी होती है। ठीक हो गया। इसको कितने HP की मोटर लगी हुई है? एक 1 HP की एयर लॉक मोटर लगी है और ऊपर वाली जो मोटर लगी हुई है 3 HP की ऊपर मोटर लगी हुई है। उस साइड वाली जो कौन है उसका क्या काम है? वो एक्स्ट्रा हवा जो होती है ना वो लेके जाती है, ब्रीक आटा उसमें निकलता है। मतलब के जो नहीं काम का होता वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, मैदा टाइप आटा जो होता है वो अपोजिट हट जाता है। ठीक हो गया। ये नेक्स्टली दलिए वाली मशीन आपके पास लगी हुई है जी। ये दलिए वाली, इसके बारे में क्या? बेकार है मशीन, बेकार है। इसका कोई दलिया वगैरह निकाल के रखा हुआ है आपने पहले? निकाला हुआ है, ये ज़ाया किए हैं पैसे हमने, ये इसका रिजल्ट है। ये इसका रिजल्ट निकला, किसी काम की मशीन नहीं है इनका कहना है। ये 2 बार किया हुआ है, ऐसे 2 बार पे ऐसा निकला है जी। ये साइड पे गंदम का दलिया पड़ा है? नहीं, ये मक्की का है। मक्की का ही है ये भी, यानी कि ये मशीन आपने मक्की के लिए ली है जी। ठीक हो गया। नेक्स्टली जो आटा निकालते हैं वो ड्रमी के अंदर डालते हैं या बोरों के अंदर डाल के पैक करते हैं? वो हमारी पैकिंग है। 10 किलो और 20 किलो? ये 10 किलो की हमारी पैकिंग है, अल्लाह के नाम पे जी। 20 किलो के अंदर भी पैकिंग है जी? 20 किलो, 10 और 20। 5 किलो? 5 किलो नहीं, 5 किलो नहीं है। पहला
पैनल बोर्ड पे आ जाएं। ये पैनल है नहीं चलाने की, माल डाल के चलाएंगे। अभी पहले बता दें कौन कौन सा बटन किसके। सबसे फर्स्ट नंबर पे एलिवेटर चलता है। चाबी खोलिएगा एक दफा मेन पैनल बोर्ड। ये केली केली मोटर का लगा हुआ सारा सिस्टम। छोटे मैग्नेट कनेक्टर जो हैं वो छोटी मोटरों के लगे हुए हैं जी। ये बड़ी मोटरों के लिए हैं जी। जी स्टार डेल्टा है, टाइमर लगे हुए हैं जी। नेक्स्टली बाकी जो है वो आम डीपी की तरह। कौन सा स्केल 350 kg का है। सिलाई वाली मशीन है और नेक्स्टली वो सीलर पड़ा हुआ है। सीलर से भी आटा पैक करते हैं। मल्टीग्रेन आटा वो पैक करके यानी कि मार्केट में ऑनलाइन सेल करते हैं या अपना सेल करते हैं। इसके अलावा गंदम की पिसाई जी 480 रुपये मान की एक किलो सफाई की काट लेते हैं। सफाई के कितने पैसे। सफाई के कोई पैसे नहीं, सफाई फ्री करते। गंदम का दलिया मिर्च और हल्दी की पिसाई 100 रुपये किलो की। और तेल निकालने का 30 रुपये से लेकर 40-50 तक कोई भी मतलब इसका हिसाब चलता है। यानी कि जिस तरह का कस्टमर होगा उसी तरह का हिसाब होगा। ठीक हो गया। पर्ची वाला क्या निज़ाम है। पर्ची वाला निज़ाम है जी, ये पर्ची है जी, इसके ऊपर लिखा हुआ सीरियल नंबर। ये जैसे 3910 चल रहा है जी, हम लिखेंगे इस पे वजन। ये पर्ची हमारे पास होगी जी, ये कस्टमर को हम निकाल के दे देंगे। ठीक हो गया। इसके ऊपर वजन लिख देंगे, इसके ऊपर रकम लिख देंगे। इधर हम वजन लिख लेंगे, रकम लिख लेंगे, ये नाम इधर कस्टमर का लिख देंगे। ये वाला नंबर हम बोरे पे रख लेंगे, कस्टमर के बोरे पे लिख देंगे जी। तो पर्ची लेके आएगा, ये नंबर मैच करेंगे और उसको बोरा उसका वापस कर देंगे। नंबर दोबारा जीरो से कब स्टार्ट होते हैं साल बाद। हम लोग कलर यानी कि नया बनवाते हैं। नेक्स्ट टाइम पहले ब्लू होगा, फिर रेड आ जाएगा, फिर ग्रीन आ जाएगा, हर कॉपी डिफरेंट कलर चेंज करते हैं। ठीक हो गया। चक्की के अंदर छाने के अंदर पहले माल डालेंगे। थैला हो गया। एक 50 किलो का थैला कितनी देर में निकलता है। कचरा टाइप और ये 50 किलो दाने ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्टली बीन में आ गए हैं। एक मिनट से पहले 50 किलो दाने ख़त्म हो गए, यानी कि तकरीबन एक मिनट के अंदर 50 किलो दाने की एवरेज है।
और दूसरा एलिवेटर। ये हमने बंद कर दिया सिस्टम, अभी हम खिलाएंगे एयरलॉक और अपना ब्लोअर, ब्लोअर और चक्की। ठीक हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर वीडियोस के साथ दोस्तों की खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान, अस्सलामु अलैकुम।